हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा रोडवेज के अंदर फिर से अप्रेंटिस के लिए काफी सारी वैकेंसी निकल कर आई है। दोस्तों, करनाल में ये डीजल मैकेनिक, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, कोपा वेल्डर और टायर रिपेयर और ब्लैक स्मिथ, इनके लिए अप्रेंटिस का मौका मिला है। ये लोग अप्रेंटिस कर सकते हैं। अगर आपने भी नीट इनमें से किसी एक ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। दोस्तों, हरियाणा रोडवेज में अप्रेंटिस करने का काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जरूरत पड़ने पे परमानेंट भी हो जाते हैं या फिर वैकेंसी वगैरह निकलती है तो आपको काफी लाभ मिलने वाला है। तो जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको मैंने खोल के दिखाया, नोटिफिकेशन खोल के दिखाया है। तो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन करनाल की तरफ से ही आया है। तो करनाल का ये नोटिफिकेशन है और ये 7 तारीख को रिलीज हुआ था। तो आप देख सकते हैं, करंट का ये अभी नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो सब एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा राज्य परिवहन करनाल में डीजल मैकेनिक, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, कोपा वेल्डर, टायर रिपेयर, ब्लैक स्मिथ, इनमें से अगर कोई भी ट्रेड है आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो अगर आपको अप्रेंटिस करना है तो इनके जो अप्रेंटिस का पोर्टल है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 28/10/2022 दोस्तों 28 अक्टूबर को जाना होगा। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी का सेट लेके जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको apprenticeshipindia.org पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन आपको ध्यान रखना है, 17/10/2022 से लेकर के 21/10/2022 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये टाइम क्राइटेरिया है, इस टाइम के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको बता देता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है, apprenticeshipindia.org पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कहाँ से अप्लाई होगा, कैसे कैसे प्रोसेस रहने वाला है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आपको 17/10/2022 के बाद ही करना है, लेकिन आपको 21/10/2022 यानी 21 अक्टूबर 2022 से पहले कर लेना है। इन डेट के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए apprenticeshipindia.org के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ, apprenticeshipindia.gov.in पे। आपको सबसे पहले गूगल कर लेना है। गूगल करने के बाद आपको कुछ ऐसा वेबसाइट दिखाई देगा, उसके बाद साइड में यहाँ पे 3 डॉट दिखाई देंगे, 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरह का आपको पेज दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट कोर्स में अपना ट्रेड का नाम लिख देना है। जो भी आपका ट्रेड है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन है, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, कोबा, जो भी आपके ट्रेड है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद सर्च लोकेशन में आपको करनाल लिखना है। दोस्तों, करनाल लिखना है और आपको लोकेशन में आपको सर्च कर लेना है। तो मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसमें ट्रेड और लोकेशन को डाल दिया है। तो ट्रेड और लोकेशन डालने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे डीजल मैकेनिक और करनाल दोनों लोकेशन और ट्रेड को डाल दिया है। नीचे से चलेंगे दोस्तों, काफी सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई देंगी। आप चाहे तो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जयमा टूर ट्रेवल है, आप यहाँ से भी जैसे अप्रेंटिस करते हैं, प्राइवेट अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे बंसल मोटर्स है, करनाल में है, यहाँ से भी कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हरियाणा रोडवेज का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उसमें सिलेक्ट कर लेना है। हरियाणा रोडवेज का, जब हरियाणा रोडवेज करनाल की तरफ से यहाँ पे नोटिस आ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन में 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो अभी इसलिए नहीं आया है क्योंकि 17 तारीख से वो आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ से साइड में मैं आपको कोई भी एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे हम इसमें समता मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में करते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल अप्लाई पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, इस पे क्लिक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल क्लिक करेंगे और अप्लाई हो जाएगा। तो क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म अप्लाई होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रिंट आउट ले लेना है और उसका फोटोकॉपी निकालवा के अपने सारे डॉक्यूमेंट का जेरोक्स कॉपी लेके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे जो डेट बताई गई है उस डेट पर पहुंच जाना है, उनके हरियाणा रोडवेज डिपो में, करनाल डिपो है वहाँ पे पहुंच जाना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन यहाँ से रजिस्ट्रेशन के नाम से यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो आपको अपनी प्रोफाइल 100% रखनी है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अपनी प्रोफाइल 100% करिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो
अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी आपके मन में क्वारी रहती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली अपडेट के बारे में मैं आपको अपडेट कर सकूँ।